ओम शांति। आज आपके सामने शुभ भाव रखकर एक नई कहानी लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है शिक्षा की अनोखी शक्ति। बात एक गांव के छोटे से स्कूल की, जहां लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। एक समय की बात है कि जब कक्षा पांचवी का परिणाम आया तो और तीन बच्चों ने मिलकर पांचवी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी तीनों लड़कों को समान समान अंक प्राप्त हुए। गांव के प्रधान ने तीनों बच्चों को धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं दी और बोले, आपने गांव का नाम रोशन किया है, आप जो भी मांगना चाहते हो मैं तुम्हें प्रोत्साहन के रूप में वही देना चाहता हूँ। तीनों बच्चे बहुत खुश हुए और मांगना स्टार्ट किया। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए स्कूल की तरफ से गांव के प्रधान को आमंत्रित किया गया और बच्चों को बुलाया गया। पहला बच्चा, महाराज आप बहुत अमीर हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आपके पास बंगले हैं, होटल है, गाड़ी है, आप मुझे एक बंगला और एक गाड़ी दे दीजिए ताकि मैं आराम से रह सकूं और बड़ा होकर गाड़ी में मौज मस्ती कर सकूं। दूसरा बच्चा, जी महाराज आपके पास पैसा भी बहुत है, आप मुझे कुछ पैसा दीजिए ताकि मैं आराम से ऐश कर सकूं और अच्छा खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं। प्रधान ने दोनों बच्चों की मांग पूरी की। अब बारी है तीसरे लड़के की, जो अभी शांत बैठा हुआ है। तीसरा लड़का, यह लड़का अभी शांत बैठा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे गांव के प्रधान से क्या लेना चाहिए। लड़का कुछ समय बाद बोलता है, प्रधान जी मैं बहुत गरीब हूँ, आप बस मेरे ऊपर दया कर दो कि मुझे पूरी पढ़ाई करवा देना, मैं पढ़ नहीं सकता, बस इतना एहसान कर दो। राजा ने तीनों बच्चों की इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद समय बीतता गया, लड़के बड़े होते गए। एक समय ऐसा आया कि गांव में बहुत तेज बाढ़ आई और पहले लड़के का बंगला पानी में बह गया। और आप भी जानते हैं कि एक निश्चित रखा हुआ धन अधिक समय तक नहीं रुकता, वो खत्म हो जाता है। और ऐसा ही दूसरे लड़के के साथ हुआ और तीसरा लड़का पढ़कर लिखकर उसी स्कूल में टीचर बन गया। एक दिन वो दोनों लड़के अपने दोस्त को, जो टीचर है, उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, भाई अगर हम भी उस दिन गांव के प्रधान से पढ़ने का प्रोत्साहन मांग लेते तो आज हमें यह दिन देखने को नहीं मिलते, आज हम बर्बाद हो चुके हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। इससे क्या सीख मिलती है ये हम आपको बताते हैं। धन हमेशा चलता फिरता रहता है, यह हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता, लेकिन शिक्षा हमारे पास हमेशा रहती है। आपका भाई आपका धन बंटवा सकता है लेकिन आपकी शिक्षा नहीं। हम धन से धनवान नहीं बन सकते लेकिन शिक्षा से हम जरूर धनवान बन सकते हैं। हमें उन दोनों बच्चों की तरह कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि हम जीवन भर पछताएं। ओम शांति।